देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से तीन फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज, कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे, बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम सी टीम डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफ़रों पे जो है एक उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्जामिन करना चाहिए और जो ट्रांसफ़र्स उनके गाइडलाइन से बाहर हैं उनको रोक दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पिछले एक दो साल में मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ खासकर वो जिन्होंने बीजेपी और बीजेपी के एजेंडा की मुखालफत की, हम लोगों की जो सिक्योरिटी कम की गई है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से पिछले दिनों विड्रॉ की गई, फौरी तौर इलेक्शन कमीशन के तरफ से इसमें ऑर्डर दिया जाना चाहिए और मेन स्ट्रीम जो नॉन बीजेपी एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी जो है फौरी तौर रिस्टोर की जानी चाहिए। बाकी इलेक्शन के हवाले से जो बातें करनी होगी आगे आगे तो आप लोगों से बड़ी मुलाकातें होंगी तो बात करते रहेंगे।